बेन स्टोक्स यार, आई मीन बेन स्टोक्स भी अब तो वापस आ गए हैं, रन बना दिए हैं, पर क्या कुदरत का होगा निजाम, या फिर न्यूजीलैंड कर जाएगा क्वालिफाई, लाइटें जला दी जाएं। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका, खेल जगत की पूरी कहानी, ओनली ऑन हैशटैग आकाशवाणी। टू यम प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और ये जो रोशनी का जो त्यौहार है उसकी तैयारी हमारे घर पे देखिए थोड़ी पहले हो जाती है, और थोड़ा सा एडवांस में आपको मैं थोड़ी बधाई देता हूँ क्योंकि फाइनली ये टूर्नामेंट है, इसमें भी थोड़ी जगमगाहट आई जिसमें मैड मैक्स ने बहुत सारे रन्स बनाए और इंग्लैंड फाइनली मुकाबला भी जीत जाता है। पर उसके बारे में बाद में करने वाला हूँ, यू नो, क्योंकि मुकाबला जो है ना वो आज जो है वो दैट इज़ द गेम दैट मैटर्स द मोस्ट। आकाश, ये वाली रिपोर्ट तो मैं ही बताऊंगा। बता दो, आप ही बता दो, बताओ। देखिए, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन यहाँ पिच से ज्यादा वेदर के ऊपर नजर रहेगी। टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश 80% चांसेस है। ह्यूमिडिटी 76% है। थंडर शावर्स की उम्मीद है। अगर पिछले 5 मुकाबलों में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के भाग्य को देखा जाए तो पिछले 4 हारे हैं न्यूजीलैंड और पिछले 3 लगातार हारे हैं श्रीलंका वाले, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड की हार या फिर बारिश का इंटरवेंशन, इसकी उम्मीद, इनफैक्ट इसके लिए प्रेयर कर रहा है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि कुदरत का निजाम तो तभी संभव हो पाएगा अगर न्यूजीलैंड इस मुकाबले में या तो हार जाए या फिर मैच ही ना हो। छोटा सा ये मैदान है, पिच बहुत सपाट है। पिछली बार न्यूजीलैंड जब यहाँ खेली थी तो 401 रन्स बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। उम्मीद यहाँ पे यही रहेगी कि बहुत सारे रन्स बनाए। वो दिन का मुकाबला था, ये नाइट गेम है, पर रन्स बहुत बनते हैं। पहले बैटिंग करते हुए अगर आपने 300-350 का टोटल बना दिया तो चेज करने में दिक्कत होती है, पर श्रीलंका के लिए भी तो एक सिल्वर लाइनिंग है, एक मुकाबला यहाँ बड़े अच्छे अंदाज में जीते हैं। इंग्लैंड को बहुत जल्दी डिसमिस किया था और फिर बड़े स्टाइल के साथ उस टोटल को चेज किया था। वेल, हमें क्या फर्क पड़ता है आकाश, मे द बेस्ट टीम विन। ठीक है, काम अच्छा कर रहा है। ये भी थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया कि भाई कुदरत का निजाम एंड ऑल ऑफ दैट, होगा नहीं होगा, बारिश आएगी नहीं आएगी, तो बारिश का काम हमारे अक्स ने कर दिया है, बाकी काम मैं कर लेता हूँ। कि सी, न्यूजीलैंड लगातार मुकाबले हार चुका है। अगर आप फॉर्म गाइड को देखेंगे तो जब आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं एंड यू आर एक्चुअली अ वेरी गुड टीम, पाकिस्तान के खिलाफ भी आप जीत जाते, क्योंकि 400 रन चेज नहीं होते हैं यार। मतलब कितना भी अच्छा कोई सामने खेल ले, 400 रन चेज तो इतिहास में एक बार हुए हैं, और क्या वो इतिहास वहाँ बनता था, वी रियली डोंट नो। पर थोड़ा सा हार्ड डन बाय थे, बहुत क्लोज मुकाबले रहे। ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था, वो भी नहीं हरा पाए। पाकिस्तान से DLS में फंस गए। अब यहाँ पे भी हो सकता है DLS में फंस जाए। अगर फंस गए तो न्यूजीलैंड विल बी द न्यू साउथ अफ्रीका, क्योंकि डकवर्थ लुईस एंड स्टर्न सिस्टम जो है उसकी परेशानी, उसकी सेटिंग जो है वो हमेशा तंग करने के लिए साउथ अफ्रीका को बना था। ये सडनली ये न्यूजीलैंड कहाँ से आ गया बीच में, आउट ऑफ सिलेबस, वी डोंट नो। पर अगर दोनों टीम्स की बात करें, श्रीलंका पिछला मैच हारी है, और हारी किससे, अपने आर्च राइवल्स बांग्लादेश से हारे, जहाँ पे बहुत चर्चा हुई, टाइम आउट की हुई, मतलब अलग ही चल रहा था वो मैच, पर हारे हैं यार। पर ये ज़रूर है कि क्वालिफिकेशन अभी भी ऑन द लाइन है, कि आप टॉप 7 में पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि 8वीं टीम जो है पाकिस्तान की, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। इस मैदान पे ये टीम अच्छा कर चुकी है, जैसा अक्स ने भी बताया था, अच्छा कर चुकी है, इंग्लैंड को हरा चुकी है। पर यही टीम, न्यूजीलैंड की टीम, इस मैदान पे भी तो अच्छा खेली है ना। लॉकी फर्ग्यूसन क्या खिलाएंगे? डेवन कॉनवे पिछले मैच में फाइनली कुछ अच्छे फॉर्म में नजर आए। पहले 2-3 मैच में थे, फिर डेवन कॉनवे, मतलब कहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। रचिन रविंद्रा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। केन विलियमसन को चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वाले वो वाले मैचेस हैं जहां पे ही स्टैंड्स अप एंड गेट्स काउंटेड। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के को मैच को जीतना होगा, 130 रन प्लस द मार्जिन जिससे न्यूजीलैंड जीतेगा वो काम करना पड़ेगा। क्या न्यूजीलैंड ये मैच जीत सकता है? क्या श्रीलंका एक और करारा अपसेट कर सकता है और सडनली पाकिस्तान के लिए रास्ता खोल सकता है? वी शैल फाइंड आउट। वैसे पड़ोसी की मदद करनी रहे, हमने देख लिया शाकिब ने क्या किया है श्रीलंका के साथ। वैसे तो दोस्त हैं श्रीलंका और बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंटल टीम्स, इतनी एनिमोसिटी अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं भूल ही गया था, मतलब बिना स्नैकिंग के काम कैसे चलता है, क्योंकि 2M ट्विस्टीज ट्विस्ट ऑफ द मैच। इनफैक्ट इंग्लैंड उम्मीद कर रही थी कि आ जाएगा, कभी तो आएगा, कुछ तो होगा। भाई बेन स्टोक्स इतना बड़ा नाम है, इतने छोटे दर्शन कैसे हो सकते हैं? इनफैक्ट ये भी चर्चा का विषय था कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको कहा जाए कि आप रेस्ट ले लो, आप वापस आ जाओ, क्योंकि हमें आपको इंग्लैंड इंडिया के जो 5 टेस्ट मैचेस हैं उसके लिए फ्रेश रखना है। पर बेन स्टोक्स फाइनली कॉमत दिया, कॉमत द मैन, क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे डेविड मलान अच्छा खेले, नो डाउट अबाउट इट। जो रूट क्या शॉट मार रहे थे वैसे, आई मीन जो रूट से ना फॉर्म गई है रूट, क्योंकि अगर ऐसे वाले क्या टेढ़े मेढ़े शॉट मारते हो यार,
इससे मच बेटर प्लेयर हैं, पर भाई साहब ने पहले दो मैच में रन बनाए, उसके बाद रन बनाए ही नहीं है। बेयरस्टो वो खराब शॉट मार के आउट हो जाते हैं। हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, आई मीन बुरे हाल है टीम के यार, तो वहाँ बेन स्टोक्स बचाते हैं, अंत तक लेकर जाते हैं, शतक मारते हैं, एंड में थोड़ी सी मदद उनको क्रिस वोक से मिलती है। तो मेरे विचार में तो 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच जो था वो बेन स्टोक्स की पारी थी, जिसमें फाइनली थोड़ा सा जो बेन स्टोक्स का क्लास है, उस क्लास के दर्शन हुए हमारे को इस टूर्नामेंट में। नहीं तो लग रहा था कि भाई ये बेन स्टोक्स आए हैं तो क्या करेंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था ऑनेस्टली। चलिए फाइनली ये है कि क्योंकि रन्स थे 300 से ऊपर, रन्स आप बना देते हो तो कितना भी लड़ाई झगड़ा करे नेदरलैंड्स, करती है नेदरलैंड्स, ये इस बात की, इस टीम की खासियत है। पर अल्टीमेटली इंग्लैंड के पास थोड़ी फायर पावर तो है ना, हालांकि वुड को नहीं खिलाया था, लियम लिविंगस्टन को भी नहीं खिलाया था, पर बाकी तो हैं, डेविड विली हैं, क्रिस वोक्स हैं, कैच वैच वैसे कम पकड़ रहे हैं, इतने कैच मैंने इस टीम को छोड़ते हुए नहीं देखे, ये भी छोड़ भी रहे हैं, उसमें रूट भी इन्वॉल्व है, आई मीन अलग ही चल रहा है इस टीम का, वैसे क्या ही बोले आदमी। पर फाइनली अंत भला तो सब भला, अभी भी एक मैच बचा है जो पाकिस्तान के साथ है। अब पाकिस्तान के कुदरत के निज़ाम के बारे में तो हम ऑलरेडी वहाँ बैठ के हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान वाला मैच होगा इंग्लैंड का तो वॉकओवर तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को ऐसे कहे चलो तुम जाओ, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फाइनली मैच जीता इंग्लैंड फाइनली। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ थोड़ा सा, कहाँ जाता हूँ, मयंक अग्रवाल के पास। अब मयंक अग्रवाल के पास उनका पहला, वो हमारे सेगमेंट का नाम है मेरा पहला, तो मयंक अग्रवाल का मेरा पहला, इट्स हियर। पहला मतलब मेरा पहला नहीं है, मयंक का पहला है। तो मयंक आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा जी। तो पहला सवाल यह है कि आपने पहला ऑटोग्राफ कब लिया था, किसका लिया था? लिया था I don't remember taking an autograph, but fortunately my father was on a aircraft where Venkat Prasad, Sunil Joshi, Rahul Dravid, Anil Kumble, and Jawaharlal Srinath were there, and you know, we still have that at home. Okay. It was a paper napkin, and he took 5 of their autographs in a paper napkin, and he framed that, and he got that for you. So he got that for me. How old were you at that time? I think I was probably 7 or 8. So, did you want to play cricket at 7 and 8 as well? He saw me play a lot of gully cricket, tennis ball cricket. हम लोग तो उनको लगा कि यार खेलते थे। चलो autograph. Autograph. वो है भी तुम्हारे पास? है अभी भी है। Beautiful. First cricket match, live match in a stadium. Live match in a stadium. Oh, IPL 2008. Okay. यहीं पर? यहीं पर. चेन्नई स्वामी स्टेडियम. RCB were playing KKR. Oh. So Brendan McCullum. अच्छा वो. The first game. First game. अच्छा you were there. Yeah. Wow. मैं नहीं था. मैं actually कोलकाता की टीम में था. मुझे छोड़ गए थे. मेरे को पूजी को. तो मैंने और पूजी ने टीवी पे देखा था मैच वो. So we were sitting in the stands there. Okay. लग्जरी ऑफ शूटिंग एट चन्ना स्वामी। स्पोर्ट्स आइडल, स्पोर्ट्स आइडल, क्रिकेट आइडल, यानी मतलब क्रिकेट आइडल। I started playing the game watching Sachin Paji bat against Australia, against Shane Warne. And that really interested me, but my idol, batting idol would be Virendra Sehwag. Oh, Viru, kya baat hai. Had an amazing opportunity to work with him in Punjab. I think his mindset. His philosophy is different. His mindset is very different to a lot of people here. Very different. He's alag hai bhai wo. Non-cricket hero, sports hero, non-cricket? Roger Federer. Class hai na? जी क्लास है। वैसे ये कार्लोस को देखा, अल्कराज यस, saw the game, big Federer fan, but also really appreciate the way Joko is playing, actually fought it यार, amazing to see him compete the way he is, it is phenomenal. True, उसकी जीनियस लोग तब पहचानेंगे जब वो रिटायर हो जाएगा, then Joker will be loved, अभी नहीं लव करते उसको लोग। पहला क्रिकेट बैट, I remember my first kit. Okay. Not bad. First cricket kit was dad gifted me. My parents actually gifted me on my birthday. It was which birthday? Year? No. You won't remember. No idea. But okay. I remember it was a Mikado
there was a company then. Mikadu. मैंने कभी नहीं देखा Mikadu. Okay, Mikadu company. It was yeah. It was bat not okay. No, it was a kick. Proper kid bat. Yeah, proper kid bat. Okay. Okay. उसके बाद पहला क्रिकेट कोच मैं कौन याद आता है मतलब फर्स्ट योर फर्स्ट क्रिकेट माय स्कूल कोच मिस्टर रामदास ओके और कोई ऐसा मतलब क्योंकि जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं या फिर टाटा आईपीएल वगैरह खेलते हैं तो वी एक्चुअली इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ कोचेज राइट पर कोई ऐसा कोच है जिसके पास यू स्टिल गो कि उसने सुना उसका सुना पर देन यू गो टू दैट कोच एंड से यू नो व्हाट कोच दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड RX Murli sir. Murli sir. I've been working with him for the last 8 years and I continue to work with him. Right. It's like his relationship and my relationship is not just a coach. Coach and a profile, right. Yeah, it's way beyond that. Right. And yeah. It's important na ki one size does not fit all. Ye mereko bhi actually laga ki coach batate hain par somehow it may not actually fit well with my game and my understanding, my just the attitude or whatever. Do you feel the same way as well ki bhai formula to bata diya par wo mere ko fit nahi hota yaar. Yeah, see, I believe that if somebody can understand your game as much as you do, then it becomes a lot easier. Right. And I think with him and me, that's the equation. He understands my game, he understands me, and I understand him so well that you know, I take suggestions, advice, and learnings from everybody, but my first point of contact for all of these things is RX. वो फिल्टर है वो फिल्टर के बाद फिर जो बचता है फिर उसको अप्लाई करते हैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन इंटरनेशनल क्रिकेटर से पहली कोई मुलाकात डू यू रिमेंबर फर्स्ट एवर यू मेट एन इंटरनेशनल क्रिकेटर मेनी एक्चुअली बहुत सारे लोगों से बट फर्स्ट वन होता है ना मतलब यू वर लाइक वाओ ओके फाइन एंड यू आर लुकिंग लाइक हिम केएस ए बी ग्राउंड में वी यूज्ड टू कम ओके समटाइम्स वी यूज्ड टू कम एंड जस्ट द इंडियन टीम यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर हाउ एंड वॉच ऑल ऑफ देम प्ले ओके ओके इट वाज फिनोमिनल राइट क्रिकेट जर्सी फर्स्ट क्रिकेट जर्सी आईपीएल ओके IPL RCB was first cricket jersey. Otherwise, playing for state Karnataka. State Karnataka. When I represented Karnataka when I was 12, we played under 13. Right. So that under 13 jersey. Under 13 की jersey. Under 13. बड़ी important होती है, बड़े ध्यान से रखनी होती है. उससे ज़्यादा मिलती भी नहीं है actually. दो तीन t-shirts देते थे. Trouser पता नहीं मिलती भी होगी. नहीं मिलती थी. हमें तो मिलती थी. Okay. First खर्चा with your money earned from cricket. पहली स्पेंडिंग जब कुछ पैसे कमाए क्रिकेट से अंडर 13 में जब स्टेट खेले थे तब 150 रुपए मिले थे ओके और आई थिंक यू शुड गेट 150 बक्स पर डे ओके एंड उससे चॉकलेट चॉकलेट ओके डू यू हैव अ फेवरेट ब्रांड डू यू स्टिल ईट चॉकलेट बाय द वे आई डू कहाँ जाती है भाई मैं तो खाता भी नहीं हूँ तो ऐसा हूँ ये खाता है तो ऐसा है नहीं I do believe in having those cheat meals and yeah and when given a chance I eat chocolate nicely fantastic my daughters are going to love you they love chocolates which kid doesn't actually कोई cricket commentator the first one you remember listening to one of the first one when you start watching cricket and then there's one commentator that stays in your head I don't remember I don't remember anyone's voice. Tony Gregg, Richie Beno, Harsha Bhogle, Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, Danny Warrior. I don't know. No. I don't remember the first one. Okay. But who you're really fond of? Chalo, chodo. First one. Who do you want to? Who do you like listening to now when you're watching us? Pommy Mbangwa. Oh, he's good. Pommy is brilliant actually. Oh yes. Him and style is and even Ian Bishop. Ian Bishop. Yeah, enjoy listening to him as well. Both of them are very, very good. Very, very, you know, very nicely put. Yeah, they're brilliant. And they have this accent which is pleasing to your ears. They're very nice. Akash bhai, sorry if I that's okay. That's absolutely fine. I love them. A first interview that you gave. मतलब प्रिंट भी हो सकता है टीवी भी हो सकता है इट वाज फॉर एक्चुअली अ बोलिंग परफॉर्मेंस फॉर स्कूल व्हाट बोलिंग ऑफ स्पिन बोलिंग ओके इट वाज फॉर अ बोलिंग परफॉर्मेंस एंड इट हैड कम इन स्मॉल सेक्शन टाइम्स ऑफ इंडिया में हम स्कूल क्रिकेट खेलते हैं जब रन बनाते हो छोटे से नाम आ जाता है उसके लिए ओके और लास्ट क्वेश्चन इन दिस इज कि पहला ऑटोग्राफ जो साइन डू यू रिमेंबर I don't remember signing my first autograph.
नो कोई किसी बच्चे ने आके बोला हो कि मतलब कोई ऐसा मेमोरी विद रिगार्ड्स टू साइनिंग एन ऑटोग्राफ कि यार आई कैन टेल यू वन स्टोरी आरसीबी के लिए खेल रहा था एंड आई गॉट इंजर्ड एट अ मल्टीपल फ्रैक्चर ओवर हियर व्हाइल प्लेइंग द गेम राइट एंड देन वी वर इन बैंगलोर आई जस्ट टेकन मॉम एंड मी हैड गॉन आउट ओके टू द मॉल and then somebody recognized me there and they said hey you're part of the RCB team and they're playing a game aren't you there and I had a sling they said oh bad luck you got this thing but my mom was very happy she's like hey, beta people recognize you I said yeah acha how often does it happen now when you're moving about in Bangalore not as often but yeah I'm somebody who doesn't you know I like to keep it quiet okay prefer it quiet wife ke saath ja rahe ho and then she moves aside and says khicha lo photo not many people do come and ask and it's nicer that way okay Bangalore is very nice and sweet so this is mera pehla thank you very much to ye inka pehla tha please batana kaisa laga aapko do let us know tag him also agar koi cheez achhi na lagi ho to achhi lagi ho to bhi tag kar dena it's okay haan ji kaisa laga aapko acha laga ya nahi laga please bataiyega zarur kyunki batane se na acha lagta hai hame acha lagta hai ki aapne dekha show aapko acha laga ya nahi laga to kal parso ek koi keh raha tha पाकिस्तान से एक मैसेज आया मेरे पास आई विल टेल यू बिफोर आई रैप इट अप कह रहा सर आप ना मैं आपके शोज देखता हूँ लेकिन ना आप ना दूसरी टीमों की बात नहीं करते मैंने कहा यार तू शो देखता है पहली बात तो बता क्या वीपीएन का इस्तेमाल करता है वहाँ पे कैसे देख रहा है जियो सिनेमा पहले मुझे ये बता दूसरी बात अगर शो देखा था तो उसके अंदर तो हमने इंडियन क्रिकेट की बात ही नहीं की कोई भी हालांकि करनी आज वैसे चाहिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज नंबर वन बिफोर आई साइन ऑफ आई मस्ट टेल फॉर दिस वन फैन फ्रॉम पाकिस्तान टेस्ट ओडीआई टी20s इंडिया इज नंबर वन रैंक बेस्ट ओडीआई बैटर नंबर वन इज इंडियन शुभमन गिल नंबर वन टी20 बैटर इज इंडियन दैट्स सूर्य कुमार यादव नंबर वन बॉलर इन ओडीआई मोहम्मद सिराज अभी भी वहाँ मौजूद है नंबर वन ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा वहाँ भी मौजूद है आई मीन नंबर वन टीम है यार जब हम नंबर वन होते तो हम क्यों ना अपनी बात करें बताओ मुझे वैसे करने का प्लान नहीं था मेरा बट दिस वन इज डेडिकेटेड टू यू आज के लिए अभी के लिए थैंक यू वेरी मच